नमस्कार दोस्तों, रवीश कुमार जी ने एक नई सीरीज शुरू की है और इस सीरीज का नाम है प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करो सीरीज। दो वीडियो उनके बैक टू बैक आ गए हैं इस मुद्दे पर। पहली वीडियो में तो उन्होंने एक इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने एक महिला रिपोर्टर को प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके लाभार्थियों से बात करने के लिए दिल्ली की एक कॉलोनी में भेजा और उसमें पूरा ये दिखाने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी काम हो रहे हैं वो भ्रष्टाचार के दायरे में हैं, लोगों को मकान नहीं मिल रहे हैं, जिन लोगों को मिल रहे हैं उन्हें वहाँ पर ठीक से सुविधाएं नहीं दी गई हैं या और तरह की अनियमितताएँ इसके मामले में हैं। इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग है, ठीक है, हो सकता है कि किसी स्थान पर ऐसा हुआ हो, लेकिन रवीश कुमार ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश में ही ऐसा है और प्रधानमंत्री आवास योजना का जो ढकोसला है वो नरेंद्र मोदी केवल दिखावटी तौर पर कर रहे हैं, हकीकत लेवल पर कुछ भी नहीं है। चलिए इस चीज को हम मान लेते हैं कि उन्हें किसी चीज से कहीं पर कोई तथ्य मिला और कहीं पर सरकारी स्तर पर इस तरह की अनियमितताएं मिल जाना कोई ऐसी बात नहीं होती, ये एक कॉमन बात है, बहुत जगह मिल जाती। लेकिन दूसरा वीडियो जो उन्होंने बनाया है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीधे सीधे कैरेक्टर और उनकी मानसिकता पर सवाल उठाने की कोशिश की गई है। आज तक विपक्ष ने भी जितनी कोशिशें की हैं वो नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार से जोड़ने की कोशिशों में उनमें दिखाया गया है कि साहब अडानी के साथ उनके संबंध हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड में घोटाला हुआ है, राफेल में मोदी ने घोटाला किया है, बहुत सारी चीजें हैं इस तरह की, वो एक कॉमन चीजें हैं। लेकिन रवीश कुमार को मौका मिल गया एक सेक्स कांड के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जोड़ने का। और केवल बात क्या है, बात यह है कि देवगौड़ा साहब के पोते के जो वीडियो वायरल हुए हैं और जिन्हें कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी की गई है, 2500 से अधिक वीडियो पेन ड्राइव में भर भर कर बांटे गए हैं, उस घटनाक्रम को रवीश कुमार ने 30 मिनट के अपने एक वीडियो में इस तरीके से दिखाया है कि जैसे हर चीज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने एक गठबंधन के सहयोगी होने के नाते हासन के जो प्रत्याशी हैं जेडीएस के, उनके लिए प्रचार किया रेवन्ना के लिए, और उस प्रचार में उन्होंने रैली की, मंच शेयर किया, देवगौड़ा भी थे मंच पर, और जेडीएस एक जो यहाँ की सांसद रही हैं मांड्या सीट की, सुमालता फिल्म अभिनेत्री रही हैं, वो भी मंच पर मौजूद थी। तो उन सब की एक कॉमन तस्वीर दिखाई रवीश कुमार ने और उसमें ये एक तरीके से रवीश कुमार नरेंद्र मोदी पर ये उंगली उठा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जानते थे कि जो रेवन्ना है वो बलात्कारी है, उसने महिलाओं का उत्पीड़न किया है, और इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी उनके समर्थन में रैली करने के लिए गए। अपने इसी वीडियो में रवीश कुमार ने अपनी इस बात का खंडन भी कर दिया है। रवीश कुमार का कहना है कि 26 अप्रैल को हासन में मतदान हुआ और उसके बाद जब मतदान होता है तो मतदान होने के बाद आप समझ लीजिए कि उससे पहले 48 घंटे पहले प्रचार खत्म हो जाता है, तो प्रचार खत्म हो गया था कब, 24 तारीख की शाम को, और 23-24 तारीख में ही वो पेन ड्राइव सब जगह बांटी गई। लेकिन नरेंद्र मोदी की रैली उससे पहले हो चुकी थी, तो अब आप ये बताइए कि जब स्कैंडल जो बाहर सामने आया, जो चीजें सामने आई, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो सांसद दोषी हैं या नहीं है, लेकिन अगर वो दोषी हैं भी तो उसमें नरेंद्र मोदी का क्या कसूर है। नरेंद्र मोदी का कसूर सिर्फ इतना है कि वो अपने जो गठबंधन के प्रत्याशी सहयोगी हैं उनके लिए वो जमकर प्रचार करते हैं, वो ये नहीं देखते कि ये मेरा बीजेपी का कैंडिडेट है या मेरे एलाइज का कैंडिडेट है, वो सभी के लिए प्रचार करते हैं। तो रवीश कुमार साहब ने कुछ पॉइंट्स इसमें जो उठाने की कोशिश की हैं, परिवारवाद वाला मामला उन्होंने उठाया है अपने इस वीडियो में। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी वैसे तो परिवारवाद पर दूसरे दलों को घेरते रहते हैं, लेकिन जो जेडीएस परिवारवादी पार्टी है उसके लिए प्रचार करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, हमने माना, लेकिन वो जेडीएस का परिवारवाद है, बीजेपी का परिवारवाद नहीं। और रवीश कुमार ने वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें परिवारवाद को लेकर नरेंद्र मोदी ने सवाल उठाए थे। नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में ये कहा था कि मुझे किसी पे कोई दिक्कत नहीं, किसी के भी परिवार का आदमी चुनाव लड़ने के लिए आए, लेकिन वो पार्टी में
डोमिनेट ना करें। अब जेडीएस तो है ही परिवारवादी पार्टी उनकी, तो उसमें आप ये बताइए कि बीजेपी उसमें क्या कर सकती है कि वो परिवारवादी पार्टी है, सिर्फ इसलिए उनके साथ समझौता ना किया जाए। राजनीति का तकाजा क्या है? राजनीति का तकाजा तो यह है कि शत्रु को हराने के लिए आप किसी भी हद तक जाइए, और किसी भी हद तक राजनीति में ये सब चीजें चलती भी हैं। और दूसरा, इसमें उन्होंने ये कहा कि बलात्कारी, क्योंकि उसके खिलाफ जो है वो रिपोर्ट एक दर्ज कराई गई है प्रत्याशी के खिलाफ, और उसमें जो है रिपोर्ट में एक महिला है, उस महिला ने रिपोर्ट लिखाई है, अपनी बेटी के बारे में भी लिखा है कि हमारा शोषण किया गया और तमाम चीजें बातें लिखाई गई है। ठीक है, उसके लिए कर्नाटक की सरकार ने एक एसआईटी भी गठित की है, एसआईटी बननी चाहिए, जांच होनी चाहिए। अब इसमें रवीश कुमार किन लोगों का कंटेंट यूज कर रहे हैं जरा इसे भी देख लीजिए, और फिर पता लग जाएगा कि वो कितना बड़ा एजेंडा चला रहे हैं। उन्होंने 2-3 मिनट की पूरी वीडियो क्लिप सुप्रिया श्रीनेत, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उसकी हूबहू दिखाई है अनएडिटेड। कांग्रेस की प्रवक्ता की पूरी वीडियो आप अपने वीडियो में दिखा रहे हैं रवीश कुमार जी, और आप दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं कि वो गोदी मीडिया का पार्ट है। गोदी मीडिया वाले इस तरह से कभी नहीं दिखाते। मैंने अपने चैनल पर कभी गौरव भाटिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिप इस तरह से नहीं दिखाई जिस तरह से वो दिखाते हैं, या पवन खेड़ा की जिस तरह से रवीश कुमार दिखाते हैं, और दूसरों पर ये इल्जाम लगाते हैं कि ये सब गोदी मीडिया का पार्ट है। दूसरे वो ये कह रहे हैं रवीश कुमार कि वो जो आरोपी है देवगौड़ा साहब का पोता, वो जर्मनी भाग गया है। हालांकि मैंने जो खबरें पढ़ी हैं उसके मुताबिक वो फ्रांस गया है, अब थक गया होगा बेचारा, प्रचार खत्म हो गया, 26 अप्रैल को मतदान हो गया उनकी लोकसभा सीट पर, और उसके बाद जो है वो चला गया बाहर घूमने फिरने के लिए, मूड बदलने के लिए, जैसे राहुल गांधी चले जाया करते हैं। तो उसको भी रवीश कुमार जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब नरेंद्र मोदी ने उनको भगा दिया, और नरेंद्र मोदी ने उन्हें एयरपोर्ट पर क्यों नहीं रोका, जबकि नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को सबको पता लग गया था। और ये भी इस हद तक पहुंच गए हैं कि स्मृति ईरानी ने बेंगलोर का जो एयरपोर्ट है वहां पर जाकर धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया इसके खिलाफ। मतलब कुंठित मानसिकता आप रवीश कुमार की देख सकते हैं, और ये स्मृति ईरानी को लेकर जो कुंठित मानसिकता है ये सिर्फ रवीश कुमार की नहीं है, अजीत अंजुम की भी है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अजीत अंजुम जो ग्राउंड फील्ड रिपोर्टिंग के लिए अब निकले हुए हैं लोकसभा चुनाव में, उन्होंने पहला क्षेत्र कौन सा चुना है? अमेठी, जहां पर अभी कांग्रेस का प्रत्याशी भी डिक्लेयर नहीं हुआ है, विपक्ष का प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं हुआ है, केवल बसपा ने एक मौर्य प्रत्याशी मैदान में उतारा है, वहां के लिए वो प्रचार वहां पर कवरेज करने के लिए अजीत अंजुम वहां पर पहुंच चुके हैं। तो इन लोगों की मानसिकता देखिए, इन लोगों का कहना है ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम ले आए रवीश कुमार, कहने लगे ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है, ना ही ये बताया है काटा है या नहीं। भाई होल्ड पे तो रखा है, कट भी जाएगा, होल्ड पे रखने का मतलब है कि काट दिया जाएगा, और जैसे कि वरुण गांधी का होल्ड पर रखा गया था और काट दिया गया था। और ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह की पत्नी को टिकट देने के बारे में चर्चाएं चल रही है। तो रवीश कुमार किसी और ही दुनिया में रहते हैं, और उनकी कोशिश रहती है कि नरेंद्र मोदी को कहीं से भी घेर लिया जाए। अब देखिए टीएमसी की नई नई सांसद बनी है राजदीप सरदेसाई की पत्नी सागरिका घोष, उनका एक वीडियो क्लिप रवीश कुमार अपने इस वीडियो में दिखाते हैं, जिसमें सागरिका घोष जो है नरेंद्र मोदी पर उंगलियां उठा रही हैं, नरेंद्र मोदी से कह रही हैं आपने ये कर दिया, आपने ऐसे व्यक्ति के लिए प्रचार आपने क्यों किया, आप ये हैं, महिला आयोग कहां पर चला गया, स्मृति ईरानी, अमित शाह, ये सब लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। इन सब बातों में ये सब लोग, एक ही इनका टारगेट है कि कैसे नरेंद्र मोदी को हिट किया जाए, कैसे नरेंद्र मोदी की जो छवि है उसको दागदार करने की कोशिश इन्होंने कर दी है इसमें। अब देखिए मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि इसमें रवीश कुमार ने कुछ नहीं छोड़ा है, रवीश कुमार ने इसमें ब्रजभूषण शरण सिंह को घसीट दिया, इवन ये तक कह दिया कि जो लोग राम के नाम पर वोट मांगते हैं वो रेवन्ना के नाम पर छुप क्यों है। एक हास्यास्पद सा वीडियो रवीश कुमार ने बनाया है, उसका टोटल जो लब्बो लुबाव ये है कि उनके मन में नरेंद्र मोदी को लेकर एक कुंठा है, वो एक कुंठा से ग्रस्त हैं, उन्हें हर चीज में नरेंद्र मोदी ही जिम्मेदार दिखाई देते हैं। मैं फिर कहता हूं पीएम आवास योजना का जो भ्रष्टाचार है उसे अगर आप दिखा रहे हैं उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दिखाइए जो चीज है उसको दिखाइए, उसे सरकारी स्तर पर उसे दूर किया जाना चाहिए, मैं मानता हूं। लेकिन अगर एक प्रत्याशी जिसके लिए 26 अप्रैल को मतदान हुआ, 23 और 24
से वो वीडियो वायरल होने लगे, वो पेन ड्राइव हो रही, तो बड़ी साजिश है। वैसे भी इसका साजिश की भी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार ये जो अगर रेवन्ना पर हमला बोलना था तो वीडियो क्लिप्स पहले भी शेयर किए जा सकते थे, वो पेन ड्राइव कुछ दिन पहले, सप्ताह 10 दिन 15 दिन पहले भी बांटी जा सकती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के रैली कर लेने के बाद उनको प्रचारित करना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, व्हाट्सएप पर डालना, ये एक सोची समझी साजिश है और इस साजिश में रवीश कुमार जैसे लोग भी शामिल हैं। समय आने पर यह सब एक्सपोज होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि इस मामले में अगर कोई डिटेल निकल कर सामने आती है तो मैं अवश्य आप सबसे शेयर करूंगा। और ग्लोबल हर्ष चैनल पर हमारी कोशिश रहती है कि हम मीडिया से संबंधित, मीडिया कवरेज किसी भी क्षेत्र की हो रही हो, उससे संबंधित जो भी चीजें चल रही हैं उसको आपको अपने नजरिए से आपके सामने रखें। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोगों का रिस्पॉन्स मेरे इन वीडियोस का बहुत बढ़िया आता है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर अवश्य कर लें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। हाय, दिस इज पूजा बेदी एंड आई लाइक टू से दैट आई एम डीपली ग्रेटफुल टू हर्ष फॉर हिज वंडरफुल वंडरफुल एंड कोरेजियस रिपोर्टिंग एंड द फैक्ट दैट ही ऑलवेज स्टैंड्स अप फॉर व्हाट ही थिंक्स इज राइट। थैंक यू हर्ष फॉर ऑल द सपोर्ट एंड ऑल द लव एंड रॉक ऑन। Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.